अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ फैमिली। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, और जितनी भी जिनकी परेशानियाँ हों अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करें। इन्हें दुआओं के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत कंप्लीट हो गई है। तो माशाल्लाह से इतना सोचा भी नहीं था कि इतने मेहमान आएंगे, तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मेहमान आए हैं। हालांकि मौसम ख़राब हो गया था, थोड़ी बहुत बारिश भी आई है। हमने सोचा कि शायद जो बाहर के रिश्तेदार हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन उनकी मेहरबानी के वो आ गए हैं, वरना हमारी शायद दावत बच जाती। फिर भी परेशानी तो नहीं थी, हम जाना गरीबों में तकसीम कर देते। बस ये अच्छा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग आए हैं, बयान भी किया है मौलाना साहब ने, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो गया है। तो अभी सब मेहमान चले गए हैं, तो कुछ ही आप बच्चे हैं जो यूट्यूबर हैं, तो हमने सोचा कि चलो इनसे वीडियो शेयर कर लें इनके साथ। तो व्यूअर्स, आज वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो आप सब ने आज की वीडियो मुकम्मल देखनी है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आसिफ भाई? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक अल्लाह का शुक्र। आपकी पूरी फैमिली ठीक है ना? जी सब खैर रहते हैं, आप सबकी दुआएं हैं। जी बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर भी मेहमान आए हुए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आपको टाइम लग गया है दावत पर आने का? जी आज हम दावत पे आए हैं। बहुत अच्छी आपने दावत का इंतजाम किया है, हमें तो बहुत ज्यादा पसंद आया है, लेकिन मौसम खराब है ना, तो इसी वजह से कुछ हमने भी सोचा था कि नहीं जाते, लेकिन फिर सोचा कि आसिफ भाई ने प्यार से बुलाया है तो चलते हैं, आसिफ भाई का दिल ना टूट जाए। तो इसी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप आए हैं। तो क्या हाल है आंटी आपका? आंटी बुला सकता हूँ फिर बाद में कहना? हाँ, कि मुझे आंटी क्यों बुलाया? मेरे बेटे जैसे ही है। हाँ बुला सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं। हाँ तो आप हैं ही आंटी, आप बाजी वाली उम्र गई। माशाल्लाह मैं आंटी हूँ। हाँ एक बात तो देखें व्यूअर्स, आप देखें जो है ना हमारी खाली हो चुकी हैं, तो बस जो है ना असल में ना नमकीन चावल लोग ज्यादा खाते हैं ना, तो दो देगे नमकीन की थी और दो देगे जर्दे की थी, तो देखे दोनों ही खाली हो गई हैं, जर्दे वाली भी दोनों, नमकीन भी दोनों खाली हो चुकी हैं। माशाल्लाह से यहाँ पर हमने मेहमानों को बिठाया था, तो ये सारा जो भाड़ा हमारा बना हुआ है, तो ये सारा जो है ना फुल हो गया था, काफ़ी लोग आए थे। आज हम आसिफ के घर आए हुए हैं, आसिफ ने हमें दावत पे बुलाया था, तो माशाल्लाह आसिफ ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था दावत का, तो खूब हमने चावल भी खाए हैं, तो काफ़ी इन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ था, मौलाना साहब भी थे, तकरीर भी हुई है, और हमें यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि मौसम भी ख़राब था, जब हम घर से निकले थे तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हम दावत पर पहुँच सकेंगे, क्योंकि रास्ते में हमें सारे रास्ते तकरीबन बारिश चलती रही, और लेकिन हमने आसिफ यहाँ आना लाजमन था। तो बहुत शुक्रिया आप आए हैं। तो मुझे ना अभी एक और बात पे हंसी आ रही है अंदर से, इसने मुझे कहा है ना कि हम यानी कि हमने सोचा कि कहीं आसिफ का दिल ना टूट जाए अगर हम ना गए तो। मैं ये सोच रहा हूँ कि काफ़ी लोग आए हैं उनकी वजह से भी दिल टूटा है वो, क्योंकि खा के भी गए हैं और उनको हमने छापे भी पूरी करके दिए हैं, फुल करके दिए हैं, फिर भी वो कहते थे कि ये काम है ये काम है। मैंने कहा कि फिर आप देंगे ही उठा के ले जाएं, तो उनको बिठा के खाना खिलाए, किसी के घर में एक बंदा बच्चा है ना, तो हमने उसके लिए दो प्लेटें दी, वो कहते हैं नहीं ये काम है चार प्लेटें दें, तो ऐसा अच्छा नहीं है। मुझे इस बात पर गुस्सा भी आ रहा था, मैंने सोचा कि यानी कि इससे बेहतर था कि हम छापे बना के घर घर दे देते। वो भी सही है आपकी बात, लेकिन आजकल आपको पता है ना लोग कोशिश करते हैं कि दावत पर चलो हम तो आ गए हैं, आज ये दिन का खाना तो हमने खा लिया है तो शाम का भी बंदोबस्त करके ये बिल्कुल आपने राइट कहा, सही कहा, बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं। शापुर जेबों में डाले होते हैं उन्होंने। हाँ। तो वो फिर ले जाते हैं शापुर में लेके शाम के लिए। हाँ, औरतें जो है ना आजकल औरतें जो है होती है ना वो भी शापर लेके आती है। अच्छा नहीं आपने भी शापर उठाए हुए तो नहीं है? मैं तो ये आंटी बोले अगर हमें चावल लेने होते तो आपसे ही छापर लेते हैं। हाँ ये अच्छी बात है, जाकर सालन वगैरह बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ तो भी बस यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा, और आप सब ने हमारी ये रिक्वेस्ट पूरी भी करनी है, तो एक चैनल है ये इस बाजी का विलेज,
तहमीना विलेज व्लॉग के नाम पे चैनल है, तो आप सब बहन भाई इनकी भी सपोर्ट करें, ये भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं हमने देखा है, तो आप सब बहन भाई भी इनकी सपोर्ट करें, इनकी वीडियोस देखें। सीधा आयफाना बैठी हुई हैं, तो आयफाना आपने दावत खाई है ना? नहीं, आपने तो बहुत चावल खाए हैं। आयफाना ने खुद मेरे हाथों से लिए हैं, आपने आपने चाय 5 दफा चावल लिए। आयफाना कहते हैं मुझे बोटियां दो, बोटियां दो। अच्छा नहीं खाए? क्या हाँ कुक्या की हाँ ओ विवाज, अब अम्मी भी आ गई हैं, तो अम्मी क्या हाल है आपका? माशाल्लाह औरतें तो काफी ज्यादा आई हुई थी है ना? राजी नहीं थी इंशाल्लाह, जितना आन माशाल्लाह खादा इन्हें नाल गिन गिन औरतें बस कई रह गिन दे, तेरी खुशी है वो पूरी थी कि अल्लाह ताला मंजूर करे। अच्छा कोई ना, वाल क्या कोई नाराज थी गिन कोई खुश हम खादा इन्हें चाय गिन वाल भी नाराज है वाली नाराज, कोई आके बैठा था कोई हेकरा है दो बंद रह गए। हमने बुलाया है अब वो आ जाते सब खा जाते है ना ऐफाना? हाँ बुलाया ही है सारे को खाई गिन नाल गिन गिन हाँ फिर भी नाराज है अपने जो रिश्तेदार है ना वो ऐसे है ना। आयफाना के पास भी कुछ गेस्ट आए हैं हैं आयफाना? आयफाना कोई मेहमान आए हुए थे, आपको क्या कहते थे? इसने नए कपड़े नहीं पहने, इसने कपड़े वही पुराने पहने हुए हैं। तो चावल तो इसने सटोए का के रखे हुए थे, दो प्लेट चावलों की सटोए का के रखी हुई थी। आयफाना आयफाना ये तो बताओ, दो प्लेट जो आपने सटोए की रखी हुई थी चावल, दो प्लेट क्या हम किता पिया जो आपने छुपा के रखी हुई थी चावलों की? थाल था, थाल था। हाँ अब ये सीधी बात कह रही है, एक थाल था। बोटी नहीं थी? नहीं। आपको तो मैंने खुद अपने हाथों से जो दिया उसमें तो बहुत बोटियां थी, मैंने आपको ढूंढ के बोटियां दिया, मैंने कहा कि आयफाना भूखी ना रह जाए। नहीं कैसा कुछ भी नहीं है। आप शुक्र अदा नहीं करती आयफाना, बहुत बोटियां थी उसके अंदर हैं। हाँ फायदा? फायदा तो कोई नहीं है, है ना? कोई फायदा बस आयफाना अल्लाह पाक से ये दुआ कर, अल्लाह पाक हमारी दावत कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मंजूर दे कबूल करे, अल्लाह से। ठीक है आयफाना, जो नसीब है हर कोई खा ले। हाँ आयफाना कहती है मैंने नहाना है। चलो ठीक है आप जाएं, तो काफी सारी औरतें भी आई हुई थी, तो अम्मी ने कुछ बांधा हुआ है, उसे कहती है कि ये क्या है, क्या बांधा हुआ है अम्मी आपने? नहीं बिस्कुट बिस्कुट अम्मी ने आप इसको इधर डाल दो, वो चिड़ियाँ खा जाएंगी। हाँ चिड़ियाँ को साथ दो, ये बिस्कुट खोला है अम्मी ने सुबह तो उसको बांध दिया है। चलो ठीक है आप जाएं। बस अब हम फैसल भाई के कमरे में आ गए हैं, तो फैसल ने चावल तो बहुत खाए हैं माशाल्लाह, लेकिन अब जो है ना इसकी तबीयत सही नहीं है। ये देखे ये सोया हुआ है, अब सोया है। हेलो फैसल, नींद है फैसल को? नींद है। चलो सोने दो सोने दो, देखे ये सो रहा है अभी, सोने दो इसको। कान में क्या है? इसको तेल आप डालें कान में? कान में सटेनिया तेल खुशकी थी, खुशकी है। आज लुढ़िया पे आज। हाँ इसकी तबीयत सही नहीं है, इसको नहलाता हूँ अभी, ये ठीक हो जाएगा। चावल बहुत शौक देखा। हाँ चावल तो बहुत खाए है माशाल्लाह, मुझे पता है चावल इसने बहुत खाए है। चावल ज्यादा खा, चावल तो वैसे ये खाता है। तो अभी बस अब अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान उठा के ले गए हैं, देगे वाले अपनी देगे ले गए हैं, और जो बर्तन लेके आए थे वो भी ले गए हैं, तो सारा कुछ सामान जो जो हमें ज़रूरत पड़ा था हमने लिया था वो वापस चला गया है, जान छुटी अल्हम्दुलिल्लाह। तो दावत भी हो गई है कंप्लीट, तो वैसे हमें काफ़ी बेहोश दिया है मेहमानों ने, तो बहुत ही थका दिया है। और कुछ लोग खुश थे, कुछ कहते हैं कि हम आपसे खुश नहीं हैं कि आपने हमें चावल नहीं दिए। तो व्यूअर्स आप सब बहन भाई खुद बताएं, जिस घर से 4 बंदे आए हैं तो उनका अगर एक बंदा बच गया, वो भी 1-2 प्लेटें लेके गया, वो कहते हैं कि हमें और भी देने चाहिए थे आपको,
तो फिर मैंने कहा कि आप देंगे ही उठा के ले जाए, जैसे मैंने पहले बताया। तो क्या करें, ये जो रिश्तेदार है ना, ये राज़ी ही नहीं होते। तो अब इंशाल्लाह ये सोच लिया कि जब फिर दावत करेंगे ना, फिर छापा बना के घर घर देंगे। ये अच्छी बात है कि घर में सब खा लेंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि हमें नहीं मिले। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखना, अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियां दूर करे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।